शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय डबरा के तीन छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस वॉलीबॉल खेल में प्रथम स्थान पाया है। तीनों छात्रों ने गोल्ड मेडल के साथ साथ ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया। डबरा के इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार इन छात्रों का दबदबा रहा। दरअसल शासकीय गवर्नमेंट उत्कृष्ट विद्यालय की कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों में विश्वजीत सिंह और लोकपाल यादव तथा कक्षा 8वीं में अध्ययनरत प्रियांशु सिंह अंतर्राष्ट्रीय टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता नेपाल में खेलकर विरोधी टीम को हराते हुए गोल्ड मेडल के साथ साथ ट्रॉफी पर भी अपना कब्जा कर विद्यालय व नगर को गौरवान्वित किया है। प्राचार्य श्री राम शर्मा और क्रीड़ा अधिकारी किशोर पटसारिया सहित अन्य शिक्षकों ने छात्रों को सम्मानित किया। विश्वजीत जी, आप टेनिस वॉलीबॉल में नेपाल तक कैसे पहुंचे? मैं करीबन 2 साल से स्टेडियम डबरा में कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रोज शाम को 5 बजे से 7 बजे। आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? मैं बता नहीं सकता कि मेरे को कितनी खुशी हो रही है। इसका श्रेय किसको दिया जाता है? इसको श्रेय मैं अपने स्कूल के स्टाफ को देता हूँ। अब जैसे बच्चे हमारे यहाँ कल आएंगे, परसों आएंगे, अपने बच्चों को बुलाएंगे और वो सामने उनके प्रार्थना में, जो हमारे यहाँ सुबह 10:30 बजे प्रार्थना होती है, असेंबली होती है, उसमें खड़े करेंगे, बाल सभाओं में खड़े करेंगे। इनसे बच्चों, इनसे जो है, जो इनके अनुभव हैं, बच्चों के साथ शेयर करेंगे और बच्चे उससे जो है प्रेरित होंगे।